राजधानी शाहपुरा थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने बी सेक्टर में बने दुर्गा मंदिर का शेड तोड़ दिया, जिसकी वजह से क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला बढ़ता देख कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुँच गए। शाहपुरा बी सेक्टर कॉलोनी में सड़क किनारे कई वर्ष पुराना एक मंदिर बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने मंदिर के ऊपर एक टीन शेड बनवा दिया था, जिसे एसडीएम ने नगर निगम की टीम के साथ तोड़वा दिया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये 40 साल पुराना मंदिर है, यहाँ महिलाएं पूजा करने आती है। प्रशासन ने गलत सूचना के आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की। 40 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे यहाँ की महिलाएं सब देवी जी की पूजा करने आती थी। अचानक किसी शरारती तत्व के शिकायत के कारण शासन ने गलत सूचना के आधार पे यहाँ पे कार्रवाई करने का प्रयास किया था। कुछ मंदिर को क्षति भी पहुँचाई है, लेकिन हम लोगों ने आके प्रशासन से बात की, बात ठीक हो गई है। अब इस मंदिर का अच्छा पुनर्निर्माण करेंगे और अच्छी तरह से यहाँ की जनता जो पूजा पाठ करना चाहती करे, सुविधा के लिए है लोगों के। और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और कार्रवाई को रोका। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जो बीजेपी हिंदुत्व की बातें करती है, उसी के राज में आज मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी की सरकार में बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार धर्म का ढोंग करती है। वैसे तो हिंदू धर्म की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार है और उसकी सरकार के समय ये बजरंग दल और बीजेपी के लोगों को धरना देना पड़ रहा है। तो ये केवल धर्म का ढोंग करते हैं। ये मंदिर नहीं हटना चाहिए। यहाँ के क्षेत्रीय लोग, महिलाएं खड़ी हुई चाह रहे हैं कि नहीं हटे, क्या मतलब है? कोई ऐसा नहीं, लोग शिकायत कर रहे हैं तो क्या क्या कहेंगे आप? अड़ोसी पड़ोसी शिकायत भी कर रहे हैं कि मंदिर हटना चाहिए। नहीं, शिकायत देखिए, कोई एक आध आदमी को इंडिविजुअल परेशानी होगी, वो कर रहा होगा, लेकिन उसका मतलब तो ही मंदिर हट जाएगा। और बढ़िया मंदिर बना हुआ पूरा हुआ है, उस तोड़ने का कोई औचित्य नहीं। बजरंग दल और कांग्रेस के विरोध के बाद प्रशासन की टीम मंदिर तोड़े बिना वापस लौट गई। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।